बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी ने अच्छे अच्छे काम करके दिखाया है, बीजेपी के वोट सही है। मोदी जी ने जब से नई नोट बनवा दिया है तब से नई नोट में तो कुछ गड़बड़ी है नहीं। हाँ तो मंदिर बनेगा लेकिन टाइम लगेगा, ऐसे मैडम बिना कोर्ट के आदेश के मंदिर का काम कैसे चालू हो। दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी हर हालत, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था राम मंदिर बनाने का वो उन्होंने पूरा नहीं किया, इसका इनको खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। राहुल गांधी अभी बालक है, वो क्या करेगा, उसको बोलना तो आएगा नहीं। फिर मैं माया अखिलेश अगर साथ आ गए तो फिर ये तो सब बेकार हैं, ये लोग को कोई काम के नहीं। राहुल गांधी को पता नहीं तो क्या बता दूं, वो अभी राजनीति में कदम नहीं उनको लगने पा रहा है। वो सब ऐसा ही है, वो गठबंधन वो नहीं चलने वाला, वो सब ऐसे ही है, सब प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, उनका सब अपने आप अलग हो जाएंगे सब। नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। हाल ही में 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद देश अब पूरे चुनावी मोड में आ गया है। नेता से लेकर जनता तक हर किसी की जुबान पर अब सिर्फ और सिर्फ सियासी चर्चाएं ही चढ़ी हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह 2019 का आम चुनाव है। एक तरफ नेता चुनावी रणनीतियों में व्यस्त हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जनता सियासी दलों के नफे नुकसान पर चर्चा कर रही है। 2019 के आम चुनाव में जनता के सामने इस बार मोदी और राहुल के अलावा तीसरा विकल्प भी हो सकता है, लेकिन क्या जनता मोदी के अलावा किसी दूसरे या तीसरे विकल्प पर चर्चा करना भी पसंद करती है, या फिर मोदी सरकार के अब तक के कामकाज से वो कितना खुश है? क्या राम मंदिर मुद्दा बीजेपी को भारी पड़ेगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब की तलाश में हम दिल्ली से सटे नोएडा पहुंचे और आम आदमी के दिलो दिमाग में 2019 के चुनाव को लेकर क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश की। बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी ने अच्छे अच्छे काम करके दिखाया है, बीजेपी के वोट सही है। अच्छा, क्या क्या काम करे? एक तो नोटबंदी करके हमारी पेमेंट की सैलरी में बताओ 2000 रुपये का नोट जो है, वह 500 का 2000 रुपया जो है गलत आया, बताओ हम गरीब आदमी मर गए हैं। बाद में जब वापस करने को बोले तो बोले आपने पहले क्यों नहीं बताया, तो गलत बात है ना। तो नोट तो मोदी सरकार नई लेकर आई है ना। हाँ, मोदी 2000 तो फिर कैसे? इसके पहले की सैलरी में, हाँ इसके पहले की सैलरी में हमारे 2000 रुपये झूठ मिले थे। ये बॉम्बे की बात है, वहाँ पे 2000 रुपये हमें झूठ मिले थे, 500 के 4 नोट दिए गए थे, वो गलत नोट थे। बाद में हाँ बाद में वो पैसे मैंने फेंक दिए, मिले नहीं हमें वो, हाँ ना सैलरी में मिले वो रुपए झूठ हो। कहाँ से निकले थे वो? हाँ कहाँ से मिले थे आपको? सैलरी में दिया गया था हमें पेमेंट में, तो वो झूठ निकले थे नोट। बाद में वो पैसे हमने फेंक ही दिया, पैसा हमारा चला नहीं वो रुपया। नहीं, तो इसमें सरकार का क्या रोल आया? वो तो गलत, किसी ने अगर नकली नोट दे दिया आपको तो नकली नोट तो अभी भी आ रहे हैं। मोदी जी ने जब से नई नोट बनवा दिया है तब से नई नोट में तो कुछ गड़बड़ी है नहीं। नहीं, बहुत सारे चिल्ड्रन बैंक के कई ATMs में नकली नोट निकले। ना ही ऐसा तो नहीं है कि नहीं नई नोट में गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पैसा पहचान में आता है अब। अच्छा, तो पहले पैसा पहचान में नहीं आता था। से धोखा हो गया हमको एक बार, अब नहीं होगा। नहीं तो अभी तो ये हो गया ना, पहले तो नोट पे थोड़े बहुत दाग लग गया या कुछ हो गया तो चल जाया करता था, अब तो वो भी नहीं चलता, नोट आपका खराब। तो नोट क्वालिटी भी ऐसी कि बहुत जल्दी खराब हो जाता है वो। लेकिन अब उसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, वो तो होते ही रहेगा। राम मंदिर चाहिए कि नहीं चाहिए? राम मंदिर का निर्माण अवश्य होना चाहिए इलेक्शन के पहले। लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं, 4.5 साल से ज्यादा सरकार ने काम कर लिया और अभी तक एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़े बीजेपी। होगा, धीरे में होगा। अभी देखो मोदी सरकार ने इतना किया, मतलब बंटवारा करवा दिया, इतना भाग हिंदुओं का है, इतना मुस्लिम का है, इतना तो करवा दिया। अब दूसरा कदम मारेंगे तब मंदिर निर्माण शुरू होगा। तो इलाहाबाद कोर्ट का ऑर्डर था तब का, तो बहुत पुरानी बात है ना वो, तो उसमें कहां मोदी गवर्नमेंट। लेकिन हाँ बात सही है, लेकिन अब कम से कम इतना आदेश तो आ गया कि 1/3 भाग हिंदुओं का है बाकी मुस्लिम का है। नहीं नहीं, ये तो बहुत पुरानी बात है, ये उस वक्त UPA गेट पुराना टाइम है, ये अभी नहीं हुआ है। हाँ। अभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है और पहले मोदी जी कह रहे थे कि हमें पूरा बहुमत दीजिए, हमारी सरकार आएगी, हम कानून बनाएंगे और मंदिर बनाएंगे, और अब वो बना नहीं रहे। हाँ तो मंदिर बनेगा लेकिन टाइम लगेगा, ऐसे मैडम बिना कोर्ट के आदेश के मंदिर का काम कैसे चालू हो। तो राहुल को क्यों नहीं वोट देंगे? हम राहुल गांधी अभी बालक है, वो क्या करेगा, उसको बोलना तो आएगा नहीं। अब बॉर्डर पे लड़ाई छिड़ गई,
मोदी जी पहुंच गए वहां पे, हाँ सब कुछ इंतजाम किए, बाफोर्स मंगवाए, लड़ाई करवा के अपना कश्मीर हासिल किया। अब ये इतना राहुल से थोड़ी हो पाएगा, तो राहुल तो अभी बच्चे हैं हम लोग के सामने। नहीं बच्चे तो नहीं है, राजनीति में लोग कहते हैं युवाओं को मौका मिलना चाहिए और राहुल तो युवा नेता है। बात सही है, लेकिन मौका देंगे और कहीं कीचड़ में गिर गए तो क्या मिलेगा? कमल अभी थोड़े और बड़े होने तो फिर करेंगे इनको अगले वाले में। और यूपी में माया अखिलेश अगर साथ आ गए तो फिर? ये तो सब बेकार हैं, ये लोग को कोई काम के नहीं। हाँ हाँ मोदी सही है। कौन ईमानदार नेता लग रहा है आपको सबसे ज्यादा? नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी को पता नहीं तो क्या बता दूं, वो अभी राजनीति में कदम नहीं उनको लगने पा रहा है, क्या बता दूं उनको मैं। दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी हर हालत, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था राम मंदिर बनाने का, वो उन्होंने पूरा नहीं किया। इसका इनको खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा, ये इन्होंने गलत किया है, जनता को गुमराह किया है। लेकिन उनके अपोजिट में कोई भी एक अच्छा नेता नहीं है, इसलिए पक्का बीजेपी गवर्नमेंट दोबारा आएगी। लेकिन राहुल गांधी एक बार फिर से 3 स्टेट में जीतकर एक नए जोश के साथ कांग्रेस ऊपर आ रही है, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस में भी कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। कांग्रेस में ऐसा कोई नेता नहीं है, उसे बेचारे राहुल गांधी का अपना ही नहीं पता था, वो और क्या करेगा, क्या फिर आगेगा। अच्छा तो आपको क्या लगता है कि कौन देश का सबसे ईमानदार नेता आपकी नज़र में? नेता कोई ईमानदार होता ही नहीं है, कोई ज़्यादा बेईमान होता है, कोई कम बेईमान होता है, सारे के सारे बेईमान होते हैं, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। कोई पार्टी नहीं है, कोई विपक्षी नहीं है, सब अंदर खाने सब एक साथ बैठ कर खाना खाते हैं, जनता का उल्लू बनाते रहते हैं, बस और कुछ नहीं है बस। मोदी जी का GST और नोटबंदी दो एक ऐसे स्टेप थे जिसकी बहुत तारीफ हुई, आपको क्या लगता है उससे कितना फ़ायदा हुआ देश? बिल्कुल तारीफ नहीं हुई, अगर हुई है तो किसी जो बड़े बिजनेस मैन हैं उनको हुई होगी, जो लोअर बिजनेस मैन हैं उन्हें कोई लेना देना है ही नहीं, जो हमारे जैसे मीडियम तबके के लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, उनका बिजनेस केवल कम ही हुआ है, हर तरह से कम हुआ है उनका। लेकिन अब जैसे बोलते हैं कि पारदर्शिता आ गई है, इससे लोगों का टैक्स बढ़ गया है, अब सरकार को ज़्यादा टैक्स। पारदर्शिता नहीं आई है वो अलग बात है, कान उसी तरह से पकड़ा गया, कान इधर से पकड़ लिया, इधर से पकड़ गया, दोनों तरह से कान ही पकड़ा गया है, कहीं पर कोई पारदर्शिता नहीं आई, वो अलग बात है। पहले दूसरा तरीका था खाने का, अब दूसरा तरीका खाने का, गवर्नमेंट तब भी खा रही है, अभी भी खा रही है। तो फिर जब फायदा ही नहीं हुआ तो फिर क्यों नहीं सरकार एक बार फिर से चेंज करना चाह रहे हैं आप लोग, फिर से मोदी जी क्यों? इसलिए कि अपोजिट साइड में कोई मोदी जैसा भी नहीं है, अगर मोदी जैसा भी कोई एक होता या भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ थोड़े बहुत सही सलामत नेता हैं ऐसे भी कुछ अपोजिट साइड में होते तो ज़रूर कांग्रेस गवर्नमेंट आती। अब कांग्रेस गवर्नमेंट ने तो एक अपना मुद्दा बना रखा है कि बस कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा तो हमारे परिवार का बनेगा, और कोई भी अच्छा नेता भी होगा उसको भी प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, इस वजह से कांग्रेस गवर्नमेंट इस वजह से नहीं आ पा रही है। अच्छा आपको लगता है कि परिवारवाद वाला जो इशू है वो कांग्रेस के लिए? बिल्कुल सिर्फ परिवारवाद जो है यही कांग्रेस को पीछे लेके जा रहा है, यानी तो कांग्रेस में बहुत अच्छे अच्छे नेता आए थे जो प्रधानमंत्री बनने लायक थे, और मोदी से भी अच्छे अच्छे नेता कांग्रेस में थे। नहीं 10 साल तक तो मनमोहन सिंह रहे, कोई गांधी परिवार से नहीं, बेशक नहीं था, लेकिन वो मनमोहन सिंह तो बेचारे बिल्कुल मौन ही रहते थे ना, वो तो उसके अनुसार चलते थे जैसे वो करते थे। मनमोहन सिंह ने बताओ क्या कोई अच्छा डिसीजन लिया? बिल्कुल 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 वही थी, इनडायरेक्टली वही थी, उसी परिवार का चलता था सब कुछ। तो लेकिन बीजेपी में भी तो RSS बोलते हैं सब कुछ नागपुर से चलता है, हेडक्वार्टर से चलता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चलता है उनका भी 100% बीजेपी वाले भी नहीं है, लेकिन उतना नहीं है जितना कांग्रेस में जो अंधेरगर्दी हो रही है उतनी नहीं है। नहीं अभी देखिए जितने भी बड़े पद हैं उन सब में RSS के ही नेता लोग पहुँचे हुए हैं। वो तो पहुँचेंगे ही, जब अपने घर का राजा होगा तो पहले अंधा बाट है सिरनी हिर फिर अपने को दे, जब अंधा देगा तो पहले अपने इनको ही देगा, दूसरे को थोड़ी देगा। तो ये तो वही सिचुएशन होगी ना जैसा कांग्रेस में था वैसा बीजेपी में? सिचुएशन वही है लेकिन उतना नहीं है जितना कांग्रेस ने अंधेरगर्दी मचा रखी है उतनी बीजेपी ने नहीं मचा रखी इतना। कांग्रेस का तो ये है कि उनके वो परिवार से बनेगा तो प्रधानमंत्री बनेगा, नहीं तो सब बेकार है। लेकिन एक बात देखिए ना, बीजेपी ने राम मंदिर का एजेंडा अपने उसमें भी अपने घोषणा पत्र में भी डाला और सब कुछ किया और कहा कि सरकार जब तक पूर्ण बहुमत मिलेगा तो हम बनाएंगे, और नहीं बनाया। यही तो सबसे बड़ा नुकसान इसको हुआ, गई ना तीन उसमें तीन प्रदेश में जो भी गवर्नमेंट गई है इनकी, इसलिए तो कारण गई है भाई, सब कुछ इनका, बहुमत इनका, सब कुछ इनका, सब चाहे तो कोर्ट से कुछ भी डिसीजन करा लें, कैसे भी करा सकते हैं, फिर राम मंदिर मुद्दा क्यों अटका रखा है? लेकिन इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है, इससे जनता बेवकूफ़ जो भोले भाली जनता है वो राम मंदिर ला करके उनको लड़ा देते हैं जनता को,
आपका राम मंदिर लड़ा दिया, आपका बुलंदशहर कांड करा दिया, आपका मुजफ्फरनगर कांड करा दिया, आपस में जातिवाद फैला करके लड़ाते रहेंगे। अब राम मंदिर अब क्यों उठ के आ रहा है? चार साल से कहाँ थे, चार पाँच साल से कहाँ थे राम मंदिर के लिए, अब क्यों आगे राम मंदिर लेकर के? क्योंकि अब आ रही है ना वोट, आ रही है ना 2019 में, तो लोगों को तो समझ आएगा ना ये वाली बात, तो फिर तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। और महागठबंधन को लेकर क्या कहना है आपका? वो तो वो सब ऐसा ही है, वो गठबंधन वो नहीं चलने वाला, वो सब ऐसे ही है, सब प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, उनका सब अपने आप अलग हो जाएंगे सब। मायावती अपने आप को प्रधानमंत्री मानती है, उधर से वो मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री बनाएंगे, फट से लालू यादव भी आ जाएगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो ये सब वहीं आ जाएंगे। बाई चांस अगर गवर्नमेंट इनकी बन भी गई ना, तो पूरे 5 साल नहीं चलने वाली, साल 2 साल में फिर दोबारा चुनाव आएंगे। सपोज करो 1% हम ये मान लेते हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट जीतती है या महागठबंधन जीतता है, बीजेपी हारती है, तो 1 साल के अंदर अंदर या हद से हद 2 साल खींच जाएंगे, हद से हद लड़ भिड़ के, 6 महीने कोई प्रधानमंत्री, 6 महीने कोई प्रधानमंत्री, फिर चुनाव आएंगे। नहीं, लेकिन अलायंस की तो सरकार हम रही है, पहले यूपीए ने 10 साल अलायंस में ही काम किया, अभी एनडीए में भी कई सारे घटक दल शामिल हैं, उससे में काम करने वाले और थे, अब काम करने वाले और हैं, सबकी मेंटलिटी बदल गई है, अब नहीं होने वाला। लेकिन अभी आप देखिए कि एनडीए में ही कई नेता नाराज हैं, उद्धव ठाकरे अलग से नाराज हैं, या राजभर अलग नाराज हो जाते हैं, अपना दल अलग, इसलिए है ना कि भाई हमारी अपनी सीट, हमारे प्रदेश में हमारी सीट ज़्यादा आ जाए, हमारे प्रदेश में हमारी सीट ज़्यादा आ जाए, नाराज तो इसलिए हैं, सब अपनी सीट के लिए हैं। अब बिहार में उनका बंटवारा हो गया, बिहार वाले सब शांत बैठ जाएंगे, बिहार में बंटवारा हो गया ना बराबर बराबर, अब बिहार वाले शांत बैठ जाएंगे, नहीं तो उधर तो पासवान भी है, उधर जो नीतीश भी, वो सब खड़े हो जाते लेके अपने लठ, कोई नहीं आता बीजेपी के वहाँ पे। और अभी यूपी में शुरू हो गए राजभर और अपना दल, हाँ सब शुरू हो जाएंगे ना, उधर अनुप्रिया पटेल अलग हो गई, वो लोग तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी अपने सहयोगियों को साथ ही नहीं रख पा रही, उनको सम्मान ही नहीं देती, इसलिए वो अलग। क्यों, अब पता चल रहा है तुम्हें सम्मान का? 4-5 साल से नहीं पता चल रहा तुम्हें सम्मान नहीं दे रही है, अब कैसे पता चला एकदम चुनाव आते ही सम्मान हो रहा तुम्हारा नहीं हो रहा? उस दिन से तुम्हारा सम्मान नहीं हो रहा, उस दिन से तुम अलग क्यों नहीं हुए? अब तुम्हें कैसे पता चला तुम्हारा सम्मान नहीं हो रहा? मतलब आपको लग रहा है कि चुनाव आने वाले हैं तो उनको लग रहा है कि थोड़ा सा अपने लिए और सीटें बढ़ जाएं? अरे भाई रोओगे जब भी तो कुछ मिलेगा, बच्चा जब रोता है तो जब भी तो उसे माँ दूध पिलाती है, यानी बच्चा सही सलामत खेलता रहेगा, माँ क्यों दूध पिलाएगी, अपने काम में लगी रहेगी। तो ये सीटों के लिए दबाव बन रहा है मोदी, बिल्कुल वही काम हो रहा है, वही काम हो रहा है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे 3 बड़े राज्यों में बीजेपी भले ही हार गई हो, लेकिन 2019 के लिए जनता को अब भी मोदी के चेहरे पर ही विश्वास है, यानी आम आदमी के लिए सत्ता विरोधी लहर जैसी बातों के कोई मायने नहीं है। उम्मीदवार कोई भी हो, वो मोदी के नाम पर ही वोट करने को तैयार दिख रहे हैं। तो वहीं एक और बात सामने आई है कि आम आदमी की नजर में मोदी का विकल्प कोई नहीं है, ये एक और वजह है कि लोग मोदी को पसंद कर रहे हैं। रही बात महागठबंधन की, तो आम आदमी तो मोदी राहुल से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, महागठबंधन को लोग सिरे से खारिज कर रहे हैं।